फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स दिए हुए होते तो उसका एरिया क्या होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो वो होता है 1/2। और जो डिटर्मिनेंट बनता है वो कैसे बनता है, उसके फर्स्ट कॉलम में हम एक्स कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, सेकंड में वाई और थर्ड में वन। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 7, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए एंड देन 1। एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट -9 देन 1। एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट 1 एंड देन 1। तो पूरी वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इक्वेशन क्या जाएगी 1/2, फिर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 6 इंटू -9 इंटू 1 इज -9 एंड 1 इंटू 1 इज -1, तो आएगा -9 -1। ओके, फिर आएगा प्लस में माइनस, क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में माइनस ऑफ 7। ओके, फिर आएगा 6 इंटू, अब क्या करें 2 इंटू 1, और -4 इंटू -1 इस आएगा प्लस में 6, तो प्लस 6 इसमें मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो मैं इसे सही से लिखता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो, तो आ जाएगा 7 इंटू 6। देन 1 के लिए ऊपर करूंगा तो आएगा 2 माइनस 36, तो आएगा प्लस में 2 माइनस 36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिखा हुआ है 1/2, माइनस 10 इंटू 6 इज माइनस ऑफ 60, फिर है माइनस ऑफ 42 और है माइनस ऑफ 38। ओके, माइनस ऑफ 34। अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 42 और 34 इज 76, एंड ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 60 माइनस 76, तो हो जाएगी पूरी वैल्यू इक्वल टू -136। तो मोड है तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा 136 और अपॉन में 2, तो एरिया क्या जाएगा ऐसे 68 स्क्वायर यूनिट के इक्वल, तो 68 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 68 स्क्वायर यूनिट्स।